कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगी। एसएससी सीजीएल 2024 का आपका जो टोटल फॉर्म्स फिलअप का आरटीआई का रिप्लाई है वो आपका आ चुका है। मैंने आपको आज भी बताया था कि आपके जो फॉर्म्स हैं वो 30 से 35 लाख के बीच में ही पड़ने वाले हैं। तो सभी रिकॉर्ड्स आपके टूट चुके हैं। 2016 से और 2024 तक सबसे ज़्यादा फॉर्म्स पड़े हैं, 2024 के अंदर पड़े हैं। भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं 34,83,000 114 के आसपास आपके जो फॉर्म्स हैं टोटल वो पड़े हुए हैं 2024 के अंदर। 2023 के अंदर 24.74 लाख फॉर्म पड़े थे, 2022 के अंदर 34.80 लाख फॉर्म पड़े थे, जिसके अंदर वैकेंसीज आपकी 36,001 वैकेंसीज थी। यानी कि लगभग आज जो अभी वैकेंसीज हैं 2024 के अंदर, इससे दोगुना वैकेंसीज थी। तब हमारे पास 34 लाख फॉर्म पड़े थे, यानी कि लगभग 35 लाख के आसपास फॉर्म पड़े थे, और यहाँ पर आधी वैकेंसीज के अंदर ही आपके 34.83 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं। 2021 के अंदर 20.76 लाख फॉर्म पड़े थे, जहाँ पर वैकेंसीज आपकी 7,621 वैकेंसीज थी। और इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि 2020 के अंदर जो आपके फॉर्म्स पड़े हुए हैं वो यहाँ पर आपको 21.89 लाख पड़े थे, जो कि वैकेंसीज आपकी 7,108 वैकेंसीज थी। 2019 के अंदर 21.59 लाख फॉर्म पड़े थे, वैकेंसीज आपकी 8,428 थी। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि अभी इस बार बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है, सेफ स्कोर की बात करें तो सेफ स्कोर मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो के अंदर भी बताया था, अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं तो 140+ आपको सेफ स्कोर लेकर चलना है, रॉ स्कोर लेकर चलना है, जो कि आपकी टीयर वन के अंदर आना चाहिए। अगर 145+ आता है तो और अच्छी बात है, 145+ अगर आपका स्कोर आता है और आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका 140 के आसपास स्कोर होना चाहिए, जो कि आपका रॉ स्कोर होना चाहिए। अभी ना तो एग्जाम हुआ है, ना लेवल पता लगा है, ना अटेंडेंस पता लगी है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, 140 145+ आपका होना चाहिए अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी और यूआर से बिलोंग करते हैं। और आप यहाँ पर एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका 120 125+ स्कोर होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी है, क्योंकि फॉर्म्स बहुत ज्यादा पड़े हैं, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होने वाला है। आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी, और आरटीआई का रिप्लाई जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मैंने शेयर कर दिया है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी आज तक आप लोगों ने नहीं किया है। आपका टीयर वन का जो पेपर है वो कब तक होने वाला है, उसको लेकर भी बहुत जल्द नोटिस आने वाला है। हालांकि अभी इन सब चीज़ों के ऊपर आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है, जो भी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी वीडियोस आपने देखे होंगे कि 9 सितंबर से आपका एग्जाम होने वाला है, कोई कह रहा है 10 सितंबर से होने वाला है, कोई कह रहा है 15 सितंबर से होने वाला है। हाँ, आपका जो एग्ज़ाम है वो यहीं पर यानी कि सेप्टेम्बर के अंदर ही स्टार्ट हो सकता है, वो भी 10 या 15 सितंबर से स्टार्ट होने की 90% चांसेस है, 10% चांसेस आपके नहीं है। ठीक है, तो आपको तैयारी अपनी अगस्त अगस्त में कंप्लीट कर लेनी है, सितंबर के अंदर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और भी जो चीज़ें हैं उनको एनालाइज करके अपना जो जो भी आपने तैयारी की है उसके ऊपर पॉलिश करनी है सिर्फ। ठीक है, बाद के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है। आपको पता है टीयर वन आपका क्वालिफाई नेचर का होता है, टीयर वन के अंदर आप लोगों को रीजनिंग, मैथ्स और आपका इंग्लिश और आपका जीएस आपसे पूछा जाता है, 25-25 सवाल पूछे जाते हैं, एक सवाल आपका 2 नंबर का होता है, 200 नंबर का पेपर होता है। इसके अंदर जो कट ऑफ जाने की संभावना है वो मैंने आपको बता रखी है, 140 145+ आपका रॉय स्कोर होना चाहिए, जिसके अंदर नॉर्मलाइजेशन ऐड होगा और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, तो कट ऑफ आपकी ऊपर ही जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नए स्टूडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप उसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर टेलीग्राम पर, या फिर इंस्टाग्राम पर। जिन भाइयों के फॉर्म्स रिजेक्ट हुए हैं उन लोगों को 10 से 11 के बीच में मौका मिल रहा है, उन लोगों को अपना दोबारा से फॉर्म को करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास मैसेज आ रहा होगा इस टाइप का, तो आप लोग दोबारा से फॉर्म को अपने को करेक्ट कर लेना। तो मिलते हैं नए स्टूडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, आपके लिए जय हिंद, वंदे मातरम।